Children, in today's class we shall start with the topic HCF, finding the HCF of two or more numbers. ठीक है, so the full form of HCF is highest common factor. So let us first learn how to find the highest common factor of the given numbers and then we shall start the exercise. So let us first understand the highest common factor or we call it HCF, okay, of two or more given numbers. Is the highest or the greatest of their common factors. It is also called greatest common divisor. Greatest common divisor, or we can call this as GCD. ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू और मोर गिवन नंबर्स इज द हाईएस्ट और द ग्रेटेस्ट ऑफ देयर ऑफ कॉमन फैक्टर्स. मतलब अगर दो नंबर्स हैं या तीन नंबर्स हैं, हम उन सबके फैक्टर्स निकाल लेंगे. अब उन सबके फैक्टर्स निकालने के बाद हम देखेंगे कॉमन फैक्टर्स क्या हैं. अब उन कॉमन फैक्टर्स में देखेंगे कि हाईएस्ट वाला कौन सा है. सो दैट विल बी द HCF. ठीक है, लेट अस टेक a very simple one example. Let us take 8 and 12. Example, find HCF of 8 and 12. All right. Now see, factors of 8 are 1, 2, 4, 8. ये सबको पता है कि ये कैसे आते हैं. हम डिवाइड करते हैं 2, 4 जाए 8, 4, 2 जाए 8, 8, 1 जाए 8, ऐसे करके. ठीक है, बाकियों से नहीं जाएगा. नाउ वी फाइंड फैक्टर्स ऑफ 12. 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12. दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 12. अब हम निकालेंगे कॉमन फैक्टर्स ऑफ 8 एंड 12 आर. अब देखो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं. 1 तो खैर सभी का होता है, उसके अलावा ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ये 4 है और ये 4 है. ठीक है, तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास क्या हो गए, 1, 2 एंड 4. अब इसमें सबसे बड़ा वाला कौन सा है. यू सी दिस, सबसे बड़ा क्या है, ये 4 है. तो वी से देयरफॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 8 एंड 12 इज 4. या और वी से HCF ऑफ 8 एंड 12 is 4. So this is how we come to know that the highest common factor of 8 and 12 is 4. But this is just for an understanding. We will not use this method to find the HCF of two or more numbers because it will be a lengthy method. Suppose a big, very big number is given, then how long you will keep on finding the factors and then taking out the common factors and then finding the highest common factor. So there are different methods to find the
HCF of two or more numbers. So I will explain each of them one by one. ठीक है, so I start with the first method. To find HCF. ठीक है, so let us take the example 12, 16, and 28. All right. So what we do? We take the prime factorization of each of this. You will write here taking the prime factorization. We get. अब आप एक एक का कर लो यहां पे. पहले हम 12 का कर लेते हैं. 12 लिखा, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3. ठीक, अब हम दूसरा कर लेते हैं, 16 का कर लेते हैं. 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. ठीक है, अब हम थर्ड वाला करते हैं, 28. अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, 2 1 2, 2 4 8, देन 2 7 14, एंड 7 1 7. अब हमने क्या कर लिया, तीनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. अब इसको यहाँ लिख लेते हैं. 12 का क्या है, 12 इज इक्वल टू 2 × 2 × 3, ये वाला 2 × 2 × 3, राइट. अब हम 16 का लिख लेते हैं, ये 16 इज इक्वल टू व्हाट, 4 × 2 है, तो 2 × 2 × 2 × 2. ऑल राइट, नाउ वी राइट फॉर 28. ये क्या हो गया, 2 × 2 × 7. ठीक है, अब आप इसमें देखो कॉमन क्या है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक 2 यहाँ है, फिर ये 2 यहाँ है, ये 2 यहाँ है. उसके अलावा देखो अब ये 3 रह गया, 3 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है. तो हम क्या देखेंगे कि खाली कॉमन यही मिला हमको. तो अब क्या हो गया, विल राइट देयर फोर HCF of 12, 16 and 28 is ये जो कॉमन आए, दैट इज 2 × 2, दैट इज 4. ऑल राइट, ये जो कॉमन निकले थे, सो एक ले लेंगे हम 2 × 2, सो दिस इज 4 इज द HCF of 12, 16 and 28. ऑल राइट, नाउ वी कम टू द सेकेंड मेथड. Second method to find HCF. Example हमारा वही है, हम same example लेके अलग अलग ways से solve करेंगे. Find HCF of 12, 16 and 28. अब इस case में हम क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर्स को इकट्ठा लिखेंगे. मतलब 12, 16 और 28, और हम ये देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स किस कॉमन नंबर से जाते हैं. तो हमें लगता है कि ये 2 से जाते हैं. ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, एंड 2 14 28. ऑलराइट, अब फिर से देखेंगे कि ये तीनों नंबर्स किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो सकते हैं. अभी तीनों इवन हैं, ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकते हैं. तो हमने फिर से किया, 2 3 6, 2 4 8, एंड 2 7 14. अब यहाँ पे देखो, ये 3 है, ये 4 है, और ये 7 है.
ये तीनों किसी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। तो अगर ये डिवाइड नहीं हो सकते तो हम इसको यहीं पे छोड़ देंगे और हमारा एच सी एफ क्या होगा, इनका प्रोडक्ट। देयर फोर एच सी एफ ऑफ 12, 16 एंड 28 इज 2 इंटू 2, दैट इज 4। ऑल राइट, सो दिस इज अवर सेकेंड मेथड ऑफ फाइंडिंग द एच सी एफ। ऑल राइट, नाउ वी कम टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड टू फाइंड एच सी एफ, ठीक है। द क्वेश्चन रिमेन्स द सेम, फाइंड द एच सी एफ ऑफ 12, 16 एंड 28। फाइंड एच सी एफ ऑफ 12, 16 एंड 28, ठीक है। अब ये डिवीजन मेथड है, ये नॉर्मली वर्ड प्रॉब्लम्स में यूज़ करने में काम आता है, जहाँ हमको ये नहीं पता चल पाता कि कोई अगर बड़ा नंबर है तो ये किससे डिविजिबल हो रहा है, तो उस केस में हम हेल्प लेते हैं इस वाले मेथड की। इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम दो नंबर्स को ले लेते हैं, 12 और 16, 28 तीन हैं, तो हम पहले कोई भी दो ले सकते हैं, मगर मैंने मान लो ये दोनों ले लिए, तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो लेट अस फाइंड एच सी एफ ऑफ 12 एंड 16। अब 12 एंड 16 में इसमें क्या होता है कि जो बड़ा नंबर होता है वो तो डिविडेंड बन जाता है और जो छोटा होता है वो डिवाइज़र बन जाता है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पहला वाला डिवाइज़र होगा और दूसरा वाला डिविडेंड होगा, जो छोटा होगा वो डिवाइज़र होगा और जो बड़ा होगा वो डिविडेंड होगा। तो यहाँ 16 बड़ा है तो 16 हमारा बन गया डिविडेंड, और 12 छोटा है तो ये हमारा बन गया डिवाइज़र, ठीक है। अब हम डिवाइड करते हैं, 12 वन ज़ा 12, रिमाइंडर आ गया 4। अब देखो ये 4 रिमाइंडर है, तो ये अब नेक्स्ट स्टेप के लिए ये जो रिमाइंडर था ये हमारा डिवाइज़र बन जाएगा, ठीक है। और जो पहले वाला डिवाइज़र था, ध्यान दो, ये जो पहले वाला डिवाइज़र था अब ये यहाँ पे आके डिविडेंड बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम कर लेंगे 4 3 ज़ा 12, रिमाइंडर 0 हो गया। अब जिस नंबर के कारण रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब इसके कारण, ये तो ये जो 4 है दिस बिकम्स द एच सी एफ ऑफ 12 एंड 16, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे हियर एच सी एफ ऑफ 12 एंड 16 इज 4, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 12 और 16 आउट ऑफ पिक्चर हो गए, अब अपने पास 4 है और एक ये 28 है। तो अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द एच सी एफ ऑफ 4 एंड 28। नाउ लेट अस फाइंड द एच सी एफ ऑफ 4 एंड 28, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वही ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा 28 और ये हमारा डिवाइजर हो जाएगा। तो हमने 28 अंदर लिया, 4 से हमने डिवाइड किया, तो 4 7 सा 28, ये पहली बार में ही आ गया, नहीं तो अगर यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचता तो आगे सॉल्व करते, तो पहली बार में आ गया। तो अब किसके कारण आया, इसके कारण आया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, एच सी एफ ऑफ 4 एंड 28 इज 4, ये देयर फोर एच सी एफ ऑफ ये 12, 16 एंड 28 इज 4, 12, 16 एंड 28 इज 4। इज दिस क्लियर? सो बेटा दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ 2 और मोर नंबर्स, अंडरस्टूड? सो विद दिस आई विल एंड माई सेशन, इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, ओके।